आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। देखिए, राजस्थान इतिहास के बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि यह लैब असिस्टेंट, कांस्टेबल, संगणक, आरएस, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा यह टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री का। देखिए, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में अपन बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री को अपन तीन भागों के अंदर पढ़ते हैं, जो कि है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर अभिलेख, राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनको अपन को पढ़ना है और इतिहासकारों के बारे में अपन को पढ़ना है। बाद में अपन बात करें राजवंश का इतिहास, तो इसके अंदर आपको देखिए कि एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में था, इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। तीसरा भाग जो कि आधुनिक इतिहास का है, जिसके अंदर अपन को 1857 की क्रांति और आंदोलन, जैसे जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन आदि, इसके अंदर अपन को पढ़ने हैं और एकीकरण जो हुआ था उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो ये हो गई राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है, यानी राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, ये सारे चीज़ें अपन को इसके अंदर पढ़नी है। चलिए अपन अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रियासतें हैं उनके बारे में, जैसे सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, सबसे छोटी रियासत कौन सी है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, सबसे पुरानी रियासत कौन सी है और सबसे नवीन रियासत कौन सी है, इन सबको अपन को जानना है। जैसे अपन बात करें मेवाड़ की, मेवाड़ रियासत तो मेवाड़ रियासत की अपन बात करें तो यहाँ गुइलों का शासन था और ये सबसे प्राचीन रियासत है, सबसे प्राचीन रियासत है। और देखिए, यदि अपन बात करें सबसे नवीन जो रियासत है उसकी, तो झालावाड़ जो कि क्या है, सबसे नवीन रियासत है, सबसे नई रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया, सबसे नवीन रियासत। यदि मैं बात करूं सबसे बड़ी रियासत की जो कि क्षेत्रफल के आधार पर, तो मारवाड़ जिसे अपन जोधपुर रियासत भी कहते हैं, यह क्षेत्रफल के आधार पर या क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत है। यदि अपन बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, तो उसका नाम आता है जयपुर या आमेर रियासत की बात करें तो ये जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत। यदि मैं सबसे छोटी रियासत की बात करूं तो शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, यह सबसे छोटी रियासत है। यदि मैं बात करूं जैसलमेर व करौली, यहां यादव वंश का शासन था, यानी जैसलमेर और करौली ऐसी रियासत थी राजस्थान की जहां यादव वंश का शासन था। यदि अपन बात करें भरतपुर व धौलपुर की, तो यहां जाट राजवंश का शासन था। जाट राजवंश का शासन था। एक ऐसी रियासत है जहाँ मुस्लिमों का शासन था या मुस्लिम रियासत थी, जैसे कि टोंक, ये राजस्थान की कैसी है, एकमात्र रियासत है
जहां मुस्लिम शासन था, यानी टोंक के अंदर जो कि एक मुस्लिम शासित रियासत है, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां मुस्लिम शासक या शासन था। फिर अपन बात करें राजवंशों की, तो अपन सबसे पहले राजवंश स्टार्ट या शुरुआत करते हैं मेवाड़ रियासत से या मेवाड़ के गुइलों से। अपन एक बार पुनः देख लेते हैं मेवाड़ रियासत जो कि सबसे प्राचीन रियासत है, जबकि झालावाड़ सबसे नवीन रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। फिर अपन देखते हैं मारवाड़ या जोधपुर जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, जबकि जयपुर या आमेर जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। यदि अपन बात करें सबसे छोटी रियासत की तो शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा के अंदर है वह सबसे छोटी रियासत थी। यदि अपन मुस्लिम रियासत की बात करें तो टोंक एकमात्र राजस्थान की रियासत है जो कि मुस्लिम रियासत है। यदि अपन जैसलमेर और करौली की बात करें जहाँ यादव वंश का शासन था, जबकि भरतपुर और धौलपुर के अंदर जाट राजवंश का शासन था। फिर अपन बात करते हैं मेवाड़ के गुइल वंश की, मेवाड़ के गुइल वंश की। तो देखिए मेवाड़ का गुइल वंश, मेवाड़ का गुइल वंश, यदि अपन मेवाड़ के गुइल वंश की बात करें तो इनके अंदर कुछ प्रमुख बातें हैं। जैसे अपन बात करें गुइल वंश के राज चिन्ह की, जिसके अंदर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, तिही राखे करतार। ये पंक्तियां कहां लिखी हुई है, जो मेवाड़ के गुइल वंश है उनका जो राज चिन्ह है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। इसको अपन आदर्श वाक्य भी कहते हैं ना, आदर्श वाक्य जो कि किसका है, गुइल वंश का है। और देखिए गुइल वंश के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है। अब देखिए इनकी उत्पत्ति की बात आती है, जैसे मेवाड़ के गुइल वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो देखिए इनके जो भी इतिहासकार है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये विदेशी जाति थी, विदेशी जाति। तो विदेशी जाति का कहने वाला एक तो था आपके कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जो कि राजस्थान के इतिहास का जनक है, या इसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को इसका मत था कि यह विदेशी जाति है। और एक इतिहासकार है अबुल फजल, इसने कहा कि ये गुइल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है। अबुल फजल ने कहा कि ये ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है। और देखिए एक इतिहासकार है जिसका नाम है कवि राजा श्यामलदास, जिसका ग्रंथ है वीर विनोद, जो कि पिछले वाले एग्जाम यानी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। वीर विनोद ग्रंथ का रचयिता है कवि राजा श्यामलदास। उस ग्रंथ के अंदर इनके लिए लिखा हुआ है कि वल्लभी का शासक है शिलादित्य, वह उसकी पत्नी का नाम है पुष्पावती, उनकी यह संतान थी। यानी कवि राजा श्यामलदास क्या कहते हैं, कवि राजा श्यामलदास का ग्रंथ है वीर विनोद के अनुसार यह वल्लभी
बी के शासक शिलादित्य, शिलादित्य व पुष्पावती की संतान है। ये कहा था आपके कवि राजा श्यामलदास ने। अपन एक बार पुनः देख लेते हैं, मेवाड़ का गुइल वंश जो कि कालांतर के अंदर सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए इनके अंदर जो गुइल वंश का राज चिन्ह है उसके अंदर कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, ये है आपके गुइल वंश का जो राज चिन्ह है उसके अंदर अंकित है। मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन से वंश के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। विदेशी जाति जैसे इनकी उत्पत्ति की अपन बात करें तो कुछ लोगों का मत था या कुछ इतिहासकारों का मत था कि ये विदेशी जाति है, जिसके अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि ये विदेशी जाति है, और अबुल फजल ने कहा कि ईरान के बादशाह नौशे खां आदिल की ये संतान है। और कवि राजा श्यामलदास का मत था कि वीर विनोद जो कि इनका ग्रंथ है उसके अनुसार वल्लभी के शासक शिलादित्य व उनकी पत्नी पुष्पावती की ये संतान है। फिर अपन बात करते हैं गुहिल वंश की स्थापना की, तो गुहिल वंश की स्थापना करने वाला गुहिल या गुहादित्य, एक शासक का नाम आता गुहिल या गुहादित्य, गुहिल या गुहादित्य, इसने गुहिल वंश की स्थापना की, यानी इन्हें गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। अब देखिए 567 ईस्वी में, 567 ईस्वी के अंदर गुहिल गुहादित्य ने एक होण का शासक था, होण का शासक जिसका था नाम था मिहिरकुल को पराजित कर, मिहिरकुल को पराजित कर इसने गुहिल वंश की स्थापना की थी 567 ईस्वी में। 567 ईस्वी में होण का शासक मिहिरकुल को पराजित कर गुहिल वंश की स्थापना की। और देखिए यदि अपन बात करें इनकी राजधानी की, तो इन्होंने नागदा जो कि उदयपुर के अंदर है, नागदा को अपनी राजधानी बनाया। ये मुख्य बातें हैं किसके लिए, गुहादित्य के लिए, इन्होंने गुहिल वंश की, यानी इनको गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है या आदि पुरुष माना जाता है। 567 ईस्वी में होण का शासक था मिहिरकुल को पराजित कर गुहिल वंश की स्थापना की थी और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। और इनके जो माता पिता का नाम अपन ने पहले ही देखा था कि इनका जो पिता का नाम है, पिता शिलादित्य व माता का नाम पुष्पावती, इसके अनुसार कविराजा श्यामलदास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार पुष्पावती। फिर अपन नेक्स्ट जो शासक है बप्पा रावल, जो कि अपन इनके गुहिल वंश के जो प्रसिद्ध शासक हुए उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। गुहादित्य के बाद अपन बात करते हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल या इनका जो मूल नाम था कालभोज, देखिए बप्पा यह इनकी क्या थी, उपाधि थी, उपाधि, और ये कालभोज इनका क्या था, मूल नाम था। कालभोज इनका मूल नाम था और बप्पा इनकी क्या थी, उपाधि थी।
यदि अपन बप्पा राहुल की बात करें तो इनका एक गुरु थे हारित ऋषि, जिनकी आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। हम बात करें हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसलिए इन्हें गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और देखिए इनके समय बप्पा रावल के समय जो राजधानी थी वो नागदा थी। राजधानी की अपन बात करें तो नागदा, जो कि कहाँ है, उदयपुर के अंदर। बप्पा रावल या कालबोध जिसका मूल नाम था, उन्होंने हारित ऋषि के आशीर्वाद से क्या किया, मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, और इसी के कारण इनको गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनकी राजधानी थी नागदा, जो कि उदयपुर के अंदर है। इन्होंने एक लिंग नाथ जी का मंदिर बनाया कैलाशपुरी के अंदर, कैलाशपुरी में भगवान एक लिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया जो कि इनके क्या है, कुल देवता हैं। गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। यानी एक लिंगनाथ जी का जो कैलाशपुरी यानी उदयपुर के अंदर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने करवाया। इसी मंदिर के पास बप्पा रावल की समाधि भी स्थित है। और देखिए जो मेवाड़ के राजा हैं वो बप्पा रावल को क्या मानते हैं, कुल देवता मानते हैं। और राजधानी छोड़ने से पूर्व ये लोग यानी गुइल वंश के राजा एकलिंग जी से स्वीकृति लेते हैं, जिसे आस का लेना कहा जाता है। एक शब्द है आस का लेना, इससे क्या तात्पर्य है, तो देखिए कि मेवाड़ के राजा राजधानी को छोड़ने से पूर्व एकलिंग नाथ जी से स्वीकृति लेते थे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आस का लेना। यानी मेवाड़ के जो राजा थे वो राजधानी को छोड़ने से पूर्व भगवान एकलिंगनाथ जी से स्वीकृति आज्ञा लेते थे, जिसे बोलते हैं आस का लेना। और ये मेवाड़ के राजा भगवान एकलिंगनाथ जी को वास्तविक राजा तथा स्वयं को अपना दीवान मानते थे। ये सारी जानकारी आपको किसमें याद रखनी है, बप्पा रावल के अंदर, जिसकी उपाधि क्या है, बप्पा, और इनका जो मूल नाम है वो कालबोध है। और हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, इसलिए इनको गुइल वंश का वास्तविक राजा गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर अपन बात करें इनकी राजधानी की, तो इनके समय राजधानी थी नागदा, और कैलाशपुरी के अंदर भगवान एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जो कि इनके कुल देवता हैं।
और एक शब्द है आस का लेना। मेवाड़ के राजा राजधानी को छोड़ने से पूर्व भगवान एकलिंगनाथ जी से आज्ञा लेते थे या स्वीकृति लेते थे, जिसे आस का लेना कहा जाता है। इसके बाद एक मुख्य राजा आता है अलट। इनके समय मेवाड़ की काफ़ी उन्नति हुई और इस समय आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया गया। अलट या इसे बोलते हैं आलू राव। देखिए इनके अपन बारे में अलट के बारे में बात करें तो इन्होंने आहड़ को जो कि कहाँ है उदयपुर में दूसरी राजधानी बनाया। जो कि प्रथम राजधानी कौन सी थी नागदा, जो कि कहाँ है उदयपुर के अंदर। और इन्होंने नौकरशाही की सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की नींव रखी। यानी नौकरशाही किसने प्रारंभ की अलहट ने प्रारंभ की। और देखिए अलहट ने एक होन राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। इन्होंने होन की राजकुमारी थी हरिया देवी, उनसे विवाह किया था। ये मुख्य जानकारी किसके बारे में है अलहट के बारे में, जिन्होंने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाई। ये मुख्य है यानी पूछा जा सकता है ये। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की नींव रखी और होन राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया। फिर अपन नेक्स्ट मुख्य राजा पढ़ने से पूर्व कुछ छोटे शासक हुए थे और उनके बारे में जो मुख्य जानकारी है, जैसे सेम सिंह। इन्होंने रावल शाखा को जन्म दिया। इन्होंने रावल शाखा को प्रारंभ किया। रावल शाखा को जन्म दिया। और एक राजा होता है जिसका नाम है राहप। इन्होंने सिसोदा गांव बसाकर सिसोदिया शाखा की नींव रखी। सिसोदा गांव बनाकर सिसोदिया शाखा की नींव रखी। और देखिए इसके बाद अपन बात करें तो एक राजा हुआ सामंत सिंह। रावल सामंत सिंह, इनके समकालीन जालौर का शासक था कीर्तिपाल। उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और सामंत सिंह ये जाकर वागड़ के अंदर गुइल वंश की स्थापना करते हैं। तो सामंत सिंह की अपन बात करें तो जालौर का शासक जिसका नाम है कीर्तिपाल, जिसे बोलते हैं कितु ए महान शासक कीर्तिपाल, ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था तथा ये सामन सिंह क्या करेगा, सामन सिंह वागड़ के अंदर गुइल वंश की स्थापना कर देते हैं। वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद एक है रावल कुमार सिंह। रावल कुमार सिंह वापस कीर्तिपाल को हराकर
जो कि चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। ये कुमार सिंह सामंत सिंह का भाई होता है जो कि कीर्तिपाल को हराकर पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद एक प्रसिद्ध शासक होता है जेत्र सिंह, रावल जेत्र सिंह। ये तो हो गए आपके जो बीच के अंदर छोटे शासक हैं उनके बारे में। उसके बाद अपन बात करते हैं जेत्र सिंह की, जिसके काल में इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। जेत्र सिंह, रावल जेत्र सिंह, रावल जेत्र सिंह। देखिए रावल जेत्र सिंह के बारे में अपन बात करें तो इल्तुतमिश के आक्रमण का सफल प्रतिरोध करते हैं। यानी जेत्र सिंह इल्तुतमिश के आक्रमण का सफल प्रतिरोध करते हैं। और इनके समय जो नागदा जो राजधानी थी वो इल्तुतमिश नष्ट कर देता है, इसलिए इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। इनके काल में अपन राजधानी की बात करें तो चित्तौड़, इनके काल में राजधानी कहाँ आ गई थी? चित्तौड़। और अपन बात करें ये जो आक्रमण हुआ या युद्ध हुआ इसका वर्णन एक व्यक्ति है जय सिंह सूरी का नाटक हमीर मान मर्दन में किया गया। यानी जो इल्तुतमिश व जेत्र सिंह के मध्य नागदा का जो युद्ध हुआ उसमें जय सिंह सूरी का जो नाटक है हमीर मान मर्दन, इसके अंदर उसका वर्णन किया हुआ है। इसके बाद एक शासक होता है तेजपाल। चित्रकला का ग्रंथ की रचना होती है जिसका नाम है श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना होती है। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो शासक है उसके बारे में, नेक्स्ट जो प्रसिद्ध शासक है उसके बारे में। तो देखिए इनके बाद नेक्स्ट जो प्रसिद्ध शासक है वो है रावल रतन सिंह। इनके काल में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। तो देखिए रावल रतन सिंह के पिता की अपन बात करें तो रावल समर सिंह जो इनके पिता थे, और इनके पत्नी की अपन बात करें या रानी की बात करें तो पद्मनी। जो कि इनकी रावल रतन सिंह की रानी थी जो कि सिंहल प्रदेश की थी। यदि अपन बात करें इनकी सेनापति की तो गोरा व बादल, गोरा व बादल जो कि रावल रतन सिंह के सेनापति थे, एक पंडित था, पंडित जो कि जिसका नाम है राघव चेतन जो कि रावल रतन सिंह का पंडित था, जिसे देश निकाला, रावल रतन सिंह के द्वारा देश निकाला दे दिया जाता है। और ये राघव चेतन दिल्ली का शासक होता है उस समय, अलाउद्दीन खिलजी, उनके शरण में चला जाता है। और इनके शासनकाल में एके यानी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। तो
अपन बात करें एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी ने 28 फरवरी 1303 इनका शासनकाल है 1301 से 1303 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है वह 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस युद्ध के अंदर जो राजा होता है रावल रतन सिंह वो लड़ता हुआ शहीद हो जाता है तथा जो सेनापति होता है गोरा व बादल वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस शाखा के अंदर जो केसरिया करने वाला है वह रतन सिंह है, यानी रतन सिंह, रतन सिंह इस युद्ध में मारा जाता है तथा गोरा वो बादल भी शहीद हो जाते हैं या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात केसरिया करने वाला रावल रतन सिंह है। अतः रतन सिंह ने केसरिया किया, मतलब केसरिया का मतलब है कि जिस समय धरती माता पर या अपनी मातृभूमि पर आक्रमण हो जाता है तो राजपूत लोग अपने सिर पर केसरिया पगड़ी बांधकर और जब तक उनके शरीर में श्वास होती है तब तक वो लड़ते रहते हैं और शहीद हो जाते हैं, जिसे केसरिया कहा जाता है। और उनकी रानियां या जो पीछे महिलाएं होती हैं वो सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर कर लेती हैं, यानी वो अपने आप को अग्नि के अंदर आहुति दे देती है जिसे जौहर कहते हैं। यदि मैं शाखा की बात करूं, शाखा तो ये केसरिया प्लस जौहर, इन दोनों घटनाओं को मिलाकर शाखा, एक पूर्ण शाखा का निर्माण होता है। तो 1303 के अंदर मेवाड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ था 1303 में। मेवाड़ का प्रथम शाखा व राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ। यदि मैं प्रथम शाखे की बात करूं, राजस्थान का प्रथम शाखा जो कि रणथंभौर के अंदर एक शासक होता है जिसका नाम है हमीर देव, उनके काल में हुआ था 1301 को, जो कि अपन चौहान वंश के अंदर पढ़ेंगे। हमीर देव चौहान जिनके शासनकाल में हुआ था वो अपन चौहान वंश के अंदर पढ़ेंगे। अभी ये जो मेवाड़ का प्रथम शाखा है जो कि रावल रतन सिंह के काल में हुआ था और रावल रतन सिंह ने इसमें केसरिया किया व रानी पद्मिनी ने, अपन बात करें रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ, 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था,
इसके बाद एक ही यानी अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ का शासन है वो अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। एक बार अपन इसे पुनः देख लेते हैं। रावल रतन सिंह जिनका शासनकाल है 1301 से 1303, यदि इनके पिता की बात करें तो रावल समर सिंह इनके पिता थे, और रावल रतन सिंह की रानी की बात करें, पत्नी की बात करें तो पद्मिनी इनकी रानी थी, और सेनापति की बात करें तो गोरा व बादल दो चाचा व भतीजा थे जो कि इनके सेनापति थे, और एक इनका दरबारी पंडित था राघव चेतन जो कि रतन सिंह के द्वारा देश निकाला दे दिए जाने पर ये अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है। और इनके शासनकाल में एक अलाउद्दीन खिलजी ने 28 फरवरी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। वह 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। रतन सिंह इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं तथा गोरा व बादल भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः रतन सिंह ने इस युद्ध में केसरिया किया व रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। फिर अपन बात करें इस युद्ध के बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का शासन अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देते हैं। इसके बाद अपन बात करें चित्तौड़ का शासन एके अपने पुत्र अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देते हैं। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। फिर ये खिजर खां चित्तौड़ का जो कार्यभार है वह एक जालौर का शासक होता है कान्नड़देव उनके भाई होते हैं मालदेव को सौंपकर यहाँ से चला जाता है। यानी चित्तौड़ का कार्यभार मालदेव जो कि जालौर के शासक कान्नड़ देव का भाई होता मालदेव को सौंप देता है। फिर ये मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव का पुत्र होता जैसा वह चित्तौड़ पर शासन करता है। इनके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनके बाद इनका पुत्र यानी मालदेव का जो पुत्र है जैसा शासन करता है। अब देखिए जो रावल रतन सिंह है वह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इनके बाद जो भी शासक होंगे वह सुसोदिया शाखा के शासक होंगे। यानी इनके बाद जो शासक आएगा राणा हमीर जो कि जैसा को मारकर चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। आज तक आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। इनके बाद जो भी शासक होंगे उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।